तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनी कक्कड़ के नए गाने के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको वीडियो बनाकर बताया था और मैंने आपको अपडेट दी थी कि टोनी कक्कड़ का नया गाना 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों उनका नया गाना कांताबाई रिलीज हो चुका है और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस गाने का नाम मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है और मुझे नहीं पता था कि इस गाने को किस टाइप में गाया जाएगा, और जैसा कि मैंने इस गाने के बारे में सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आगे वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लास्ट वीडियो के ऊपर सबसे अच्छा कमेंट किया था यूनुस गुरु ने। इन्होंने लिखा, तुम अच्छी वीडियो बनाते हो, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहो, तुम्हारी वीडियो देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई इतने अच्छे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, और आप सभी के लिए मैं नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज टोनी कक्कड़ का नया गाना रिलीज हुआ जिसका नाम था कांताबाई। दोस्तों ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इस गाने के लिरिक्स नंबर 1 थे, इस गाने की जो स्टोरी या फिर जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत अच्छा था। अब तक जो आपने मेरे ये तीनों पॉइंट सुने हैं ये बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गाना मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा। टोनी कक्कड़ के मैंने अब तक के जितने भी सॉन्ग सुने हैं उनमें से मुझे सबसे ज्यादा खराब सॉन्ग यही लगा। दोस्तों आप वीडियो के बारे में कुछ भी बोलें, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ अपने ओपिनियन के बारे में बात करने वाला हूं। हो सकता है कि आपके ओपिनियन अलग हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना। तो बात करते हैं इस गाने के लिरिक्स के बारे में। तो दोस्तों जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना तब इस गाने के लिरिक्स को सुनकर मुझे सच बता रहा हूँ कि हंसी आने लग गई थी। इतने खराब लिरिक्स, सच में इस गाने के लिरिक्स यार मुझे बहुत ही ज्यादा बुरे लगे। और जो आगे गाने की वीडियो या फिर जो इस गाने का कॉन्सेप्ट था वो भी मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया। मैंने सोचा चलो इस गाने के कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं और लोग इस गाने के बारे में अपनी राय जरूर दे रहे होंगे, लेकिन मैंने पूरा कमेंट सेक्शन छान मारा, वहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप के कमेंट देखने को मिल रहे थे। पहले तो वो कि इस गाने को कौन कौन सुन रहा है वो इसे लाइक करो, दूसरा इस गाने को कौन कौन 2019 में सुन रहा है ये लाइक करो। तो यार इतने पागल लोग बने हैं कि इस गाने को सुन रहा है तभी तो तुम्हारी कमेंट को देख रहा है, पता नहीं ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं। बस इन कमेंट्स के अलावा मुझे इस गाने के बारे में तो कोई भी कमेंट नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों इस गाने को अब तक 4,61,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इतने कम व्यूज पर भी इस गाने को 9,000 से ज्यादा बार डिसलाइक किया जा चुका है। और इन डिसलाइक्स को देखकर मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ मेरी तरह भी कुछ लोग और हैं जिनको कि गाने से मतलब है और उनको लाइक और डिसलाइक्स का फर्क पता है। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी बोला वो सब कुछ मेरा खुद का ओपिनियन है, हो सकता है कि आपके ओपिनियन अलग हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।